कोलकाता का रुख कर लेते हैं, पूजा मेहता वहां पर है। पूजा, कोलकाता के लोग क्या चाह रहे हैं मोदी 2.0 के पहले बजट से, न्यू इंडिया का बजट, कोलकाता के लोग क्या चाह रहे हैं? अमन, मैं हूँ फिलहाल महिला एंटरप्रेन्योर्स के साथ, उन्हीं से जानेंगे। एक घंटे से कम का समय रह गया है, क्या एक्सपेक्टेशन है? बहुत एक्सपेक्टेशंस है। मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात ये लग रही है कि इस बार सरकार लक्ष्य लेके काम कर रही है, 5 ट्रिलियन का लक्ष्य, जो आज के जीडीपी के दुगने हिसाब से है, तो छलांग भी दुगनी ही माननी पड़ेगी उन्हें। हम 2027 तक बहुत पॉपुलस नेशन होने वाले हैं, तो उस हिसाब से लेके मुझे लगता है कि हर रिफॉर्म जो भी आएगा बहुत ही बड़ी तरीके से आएगा। और सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस जो है हमारे इकोनॉमी में बहुत कम है और लिक्विडिटी कम है, तो लिक्विडिटी को और जॉब्स को बढ़ाने के लिए, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स, हमारा देश एंटरप्रेन्योर्स का देश है, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कि ताकि सारी जिम्मेदारी सरकार पे ना आ जाए, पूरा देश अपने आप, हमारा देश वैसे ही है, अपने आप से बढ़ता रहता है, बस उनके लिए जीना आसान कर दे। आप बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस आपके? बिल्कुल, अभी मुझे जो लगता है कि डेफिनेटली जो बहुत से सबसे बड़ी समस्या है इस इकोनॉमिक स्लोडाउन, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया, गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंट और पिक्चर दिखाया कि आगे बढ़ के उन्हें क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली दो सेक्टर्स अपने को जो आती हैं उभर के, स्पेशली जो एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या को का समाधान दे सके, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग। देखना है कि वित्त मंत्री इसके इन क्षेत्रों में क्या करते हैं और क्या रिफॉर्म्स लेके आते हैं। बिल्कुल पूजा, रुक कर लेते हैं, मुंबई का देश की कमर्शियल कैपिटल। पूजा, मैं आऊंगी आगे आपके पास, तो बहुत है आगे आपके पास आऊंगी, कमर्शियल कैपिटल लेकर दर्शकों को चल रहे हैं नित्यानंद। बाजार ने सभी हुई शुरुआत की, बढ़त हुई लेकिन मामूली बढ़त हुई, कॉशन के साथ मार्केट आगे बढ़ रहा है, क्या जनता भी कॉशियस है, क्या जनता भी थोड़ा सा सधी हुई? जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मुंबईकर हैं जो इस बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं, सीधा मुनि से जानते हैं, ये बजट से क्या उम्मीदें हैं? सर्वप्रथम मैं नवनियुक्त वित्त मंत्री सीतारमण जी को मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। 49 वर्ष बाद पहली महिला है जिन्होंने ये वित्त मंत्री का पदभार संभाला है। क्या उम्मीद है महिलाओं को इसमें? काफी वित्त मंत्री से काफी अपेक्षाएं हैं। मैं भी काफी आशान्वित हूं कि वित्त मंत्री जी एक अच्छा बजट पेश करेंगे। कम से कम 5 लाख की छूट इनकम टैक्स में, 0 टैक्स की होनी चाहिए, उसके बाद के स्लैब 5 से 10 लाख का और 10 से 15 लाख का, जिसपे 10% और 20% इनकम टैक्स चार्ज कर सकते हैं। काफी और जो गृहणियां हैं उनको भी घर के मद में जो यूज करते हैं, हाउसवाइफ से जाने, आप इस बजट से क्या उम्मीदें रखती हैं? मैं इस बजट से बहुत उम्मीद रखती हूँ, जैसे गैस के प्राइसेस कम होने चाहिए, रेलवे टिकट्स में बहुत सारी रेट्स कम आना चाहिए, और मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करती हूँ। बिल्कुल, दूसरे लोगों से भी जानना चाहेंगे कि ये लोग जो ट्रेन से सफर करते हैं, आप क्या चाहते हैं इस बजट से, क्या उम्मीदें हैं? मैं बहुत उम्मीद है क्योंकि अभी इन्फ्लेशन होता है जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ होता है, अभी ट्रेन का बजट बहुत है, पेट्रोल का बजट बहुत है, वो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का काम हो जाए। लोगों की उम्मीदें तो हमारे दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही पार्लियामेंट से, संसद भवन से सीधे तस्वीरें, थोड़ी देर पहले मुख्तार अब्बास नकवी को आपने देखा, 10 बजे ये मीटिंग, कैबिनेट की ये मीटिंग, और ये देखिए निर्मला सीतारमण और साथ ही वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इस समय आपके स्क्रीन पर, रविशंकर प्रसाद उनसे आगे, और ये कैबिनेट की मीटिंग जिसमें इस बजट को मिलनी है मंजूरी, और साथ ही वो आप देखिए लाल कपड़े में लिपटा हुआ बजट, जैसा कि थोड़ी देर पहले जी न्यूज पर आपने सुना, अब ब्रीफ केस को हटाकर ये लाल कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। उससे पहले आपको ब्रीफ केस की तस्वीरें याद होंगी, जो बड़ी तस्वीरें पार्लियामेंट से सीधे जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए सुबह से पहले वो घर से निकली, वित्त मंत्रालय गई, मीटिंग की अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री वो वहां पर मौजूद थे, सेक्रेटरीज मौजूद थे, उसके बाद रुख किया राष्ट्रपति भवन का, राष्ट्रपति में राष्ट्रपति से बजट के लिए मंजूरी ली, तस्वीरें समय आपके स्क्रीन पर, और आप पार्लियामेंट पहुंची हैं, और अब से करीब लगा लीजिए करीब करीब 50 मिनट बाद ये बजट हमारे और आपके सामने होगा। हमारी उम्मीदों पर, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर निर्मला सीतारमण है वो सबके सामने होगा। पार्लियामेंट, ये वो तस्वीर है अमन, जिसको लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आप पार्लियामेंट पहुंचे और बाकायदा वित्त मंत्री जो है वो इसे लेकर फोटोग्राफ खिंचवा दें। Thank you.
तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जब पहुंची हैं पार्लियामेंट तब की तस्वीरें। ये तस्वीरें हर साल इसी तरीके से हर वित्त मंत्री कैमराज के लिए पोज करता है। आपने एक डिफरेंस जो इस बार देखा, इस बार ब्रीफकेस नहीं वित्त मंत्री के हाथ में, इस बार लाल कपड़े में लिपटा हुआ ये बजट इस समय आपके स्क्रीन पर। बड़ी बात ये, जिस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एम या लक्ष्य रखा गया है उसे हासिल करने के लिए पहला पड़ाव है। कई मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अमन, कविता हमारे साथ है और ये वो तस्वीर है, तस्वीर लगातार ये स्क्रीन पर है। बोला।